गुड मॉर्निंग। आज हम हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाले कि हम हर वक्त हैप्पी कैसे रहे। जो भी हमारी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये डिपेंड करती है हम सोचते कैसे, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करते। जो भी हम फील करते हैं ये सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। बहुत लोग लगता है कि उनके लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए, वो उनका माइंड पीसफुल होना चाहिए, वो शांत रहने चाहिए, पर तो भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीते हैं। कुछ कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा वो टेंशन तो सबको आता ही है, और इसी सोच के साथ वो पूरी लाइफ टेंशन में गुजारते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे परमिशन के सिवा डिप्रेशन हमारे अंदर एंटर कर ही नहीं सकता जब तक हम परमिशन नहीं देते, क्योंकि जो भी हमारी सोच है ये हम क्रिएट करते हैं, ये हमारी चॉइस होती है, और हमारी सोच ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना हम कैसा सोचे ये हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से दुखी है तो वो पर्सन या सिचुएशन वो बाहर है। जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं हो देते तब तक उसका आपके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कि जो भी पर्सन सिचुएशन ये सब बाहर है। ओके, और आपके अंदर एंटर करना एंटर करेगा या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको अलाउ करेंगे तो एंटर हो जाएगा, ओके, आप नहीं करोगे तो नहीं एंटर होगा। तो भी आप किसी भी कंडीशन में आप हैप्पी हो सकते हैं, परिस्थिति सही हो या गलत आप फिर भी हैप्पी रह सकते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, अचानक से बिजनेस बंद हो गया, तो कोई सोचेगा नसीब खराब है, मैंने कुछ पास में कुछ बुरा किया होगा उस वजह से मुझे ये अभी फेस करना पड़ रहा है, या किसी पर्सन को वो ब्लेम करेगा, इस पर्सन की वजह से अभी मेरी कंडीशन खराब है। बट आज का क्या, अभी जो हमारी पॉजिटिव चॉइस है, हमारी जो पॉजिटिव डिसीजन है, उससे हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। जो हो गया तो हो गया, उसके बारे में सोच के तो कुछ होने वाला नहीं है, पर अभी जो कर रहे हैं तो वो तो हमारे हाथ में है ना, तो हमारे अभी पॉजिटिव क्यों ना सोचे, पॉजिटिव डिसीजन क्यों ना ले, हमारे पॉजिटिव चॉइस क्यों ना ले, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। भले हम कितना भी नीचे गिरे हो तो भी हम ऊपर उठ सकते हैं हमारे पॉजिटिव चॉइस से, हमारी सोच से। ओके, और आपको हमेशा याद रखना है कि लाइफ में किसी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो गए तो हमारी लाइफ का कंट्रोल हम सामने वाले को दे देते हैं, हमारे माइंड की की सामने वाले को दे देते हैं, और सामने वाला तो आपके मुताबिक कभी बिहेव नहीं करेगा, कभी वो आपके मुताबिक बिहेव करेगा, कभी नहीं करेगा, तो आप इससे आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रह सकता। आपका माइंड हमेशा अप डाउन होता रहेगा। ओके, और स्टेबल माइंड से कुछ लाइफ में आप अचीव कर सकते हो, अनस्टेबल माइंड से लाइफ में कुछ बड़ा आप अचीव नहीं कर पाओगे। और हमेशा खुद को याद दिलाना है कि जो भी सोचता हो ये मेरी चॉइस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। ओके, मेरी सोच मेरे हाथ में, ये हमेशा याद दिलाना है खुद को, तो आपको हैप्पी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, चलो फिर, थैंक यू।